Hey guys, good morning. So, बहुत सारे companies का result आया पिछले दो दिन में. So, I thought of like covering companies in a cluster ताकि आपको समझ में आए कि उस space में क्या हो रहा है. And of course, इसमें एक peer to peer analysis भी हो जाता है. तो पहले जो भी आज ये जो रिटेल अपैरल स्पेस है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है. तो पहला एक ब्रांड है, उसका नाम है मुफ्ती. द कंपनी का नाम है क्रेडो ब्रांड्स. फिर अब देखोगे मोंटे कार्लो, ये सब नाम तो आपने सुने होंगे, राइट. मोंटे कार्लो तो अपने खुद के ब्रांड के नाम ही अपना ये सारे कॉटन और वूलन गारमेंट्स बेचते हैं. फिर आपका आदित्य बिरला फैशन हो गया. फिर आपका आप देखोगे वी मार्ट हो गई. फिर आपने सुना होगा ट्रेंड और V2 रिटेल. तो इन सब के बारे में बात करते हैं. तो पहला चीज़ तो ये हो रहा है कि पिछले एक दो साल से ऑन अ हाई बेस ऑफ FY23 इनमें से बहुत कंपनीज का वॉल्यूम ग्रोथ आ नहीं रहे. दूसरे साइड में आप देखोगे कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर हुआ, जिससे इनका इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से क्या हुआ, इनका डिमांड, इनका जो डोमेस्टिक डिमांड है वो आपका सॉफ्टन हो गया. तीसरा चीज़ है कि आज बहुत टाइम पे इस बार क्या हुआ, इस बार जो हमारा जो विंटर का ऑनसेट था वो विंटर थोड़ा डिलेड हुआ. तो सोचिए ना, अगर आपने अपने सारे विंटर क्लोथ्स को इन्वेंटरी में डाल के रखा, सारे अपने पैसे इन्वेस्ट करके रखा और विंटर आया देर में, तो वहां भी आपका इफेक्ट हुआ, राइट. तो बिजनेसेस लाइक मोंटे कार्लो एंड ऑल ऐसे करके बहुत सफर किया, ठीक है, ये सारे रीजन के वजह से. फिर उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूं, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मोंटे कार्लो को भी देखोगे, मोंटे कार्लो प्रॉफिट्स में था, अभी लॉस में चला गया. मतलब इतना मार्जिन कंप्रेशन हुआ. और मार्जिन कंप्रेशन क्यों होता है, बिकॉज ये कंपनीज को क्या है, देखिए इनका इतने बड़ा कोई ब्रांड्स नहीं है, ठीक है. तो इसीलिए क्या है, इनको बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन तो डेली फेस करना पड़ता है. तो इनको इसके साथ साथ और ज्यादा डिस्काउंट्स भी देना पड़ता है. प्लस आपका जैसे मैंने बोला, माल वापस कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर, आपको वापस कर रहा है, बोल रहा है कि लाइक ओके चलो विंटर सीजन तो खत्म हो गया, ठीक है, तो ये सारा विंटर क्लोज लेके हम क्या करेंगे. तो इसके वजह से मोंटे कार्लो का आप देखोगे कोई सेल्स भी आई थिंक 13-15% गिर गया एंड प्रॉफिट से वो लॉस में चला गया. क्रेडो ब्रांड्स जो मुफ्ती का जो ब्रांडेड वाला कंपनी है, ठीक है, उसमें आप देखोगे क्रेडो ब्रांड्स बहुत EBOs बढ़ा रहे हैं, मतलब एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट, ठीक है. बिकॉज इनको लगता है EBOs, अगर आप एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट में अपने सामान बेचोगे तो वहां पे आपका कस्टमर के दिमाग में आपका एक ब्रांड पावर जगेगा. लेकिन हैविंग सेड दैट, ये कंपनी ऐसा है जो कुछ दिनों पहले तक का उसका था कि गाइडेंस था कि हम 18-20% से ग्रो करेंगे, बट नाउ दे हैव रिड्यूस देयर गाइडेंस टू अराउंड 15%. ये कंपनी तभी करता है जब उसका सिचुएशन बुरा हो जाता है. तो इनका भी कुछ वैसा ही सिचुएशन है. अगर मैं इनको बेसिक सा नंबर बताऊं ये मुफ्ती वाला कंपनी की, तो मतलब क्रेडो ब्रांड्स, सेल्स इनका फ्लैट है Q4 ओवर Q4 और सेल्स कुछ 13-14% ग्रो किया इन FY24 ओवर 23, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फेल 67% Q4 ओवर Q4. इसका मतलब क्या, इनका भी पूरा मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हो गया, जो कि मोंटे कार्लो का भी हुआ, ठीक है. आप अगर देखना हो, अगर मैं आदित्य बिरला फैशन के आसपास जाऊं तो उसमें भी उतना कुछ खास ग्रोथ नहीं है और वहां भी मार्जिन प्रेशर है. तो देखिए, अब जब सारे कंपनीज का Q4 का जब PPTs पढ़ोगे ना, तो ऐसे करके आपको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज व्हेन यू रीड समथिंग आपको देखना पड़ेगा पीयर ग्रुप में क्या हो रहा है. एंड देखिए, इस तरीके से आपका सेक्टर एनालिसिस भी हो रहा है. तो अगर कोई भी वैल्यू रिटेल कंपनीज हो, तो जनरली वर्ड यूज कर रहा हूं, बिकॉज एक दो एक्सेप्शन का बात में करूंगा, लेकिन जनरली कंपनी स्ट्रगल कर रहे हैं. आपने देखा होगा V-Mart का भी क्या प्रॉब्लम था, ठीक है. ये V-Mart भी क्या किया, ये V-Mart तो नॉर्थ का कंपनी था, फिर उन्होंने क्या किया, अरविंद का लाइफस्टाइल का ये सारे स्टोर्स खरीदा साउथ में. लेकिन उसके बाद से क्या हुआ, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, फिर उसके बाद वॉल्यूम्स का प्रॉब्लम, डिमांड टेपिड हो गया, इस सब के वजह से क्या हुआ, V-Mart भी लॉसेज ही खाता रहता है, ठीक है. सो तो ये हो गई बात. लेकिन इसमें से दो कंपनीज है जो यहाँ पे मैं थोड़ा बोल सकता हूँ कि वो थोड़ा एक्सेप्शन है. यहाँ पे एक कंपनी है, उसका नाम है V2 रिटेल, ठीक है. ये जो सारे कंपनीज का मैंने अभी तक बात किया, V2 का बात नहीं कर रहा, V2 से पहले जो 3-4 कंपनीज का बात किया, इनका कोई सेल्स का कोई ग्रोथ नंबर ही नहीं है. तो अगर सेल्स ग्रो नहीं हो रहे, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन है. लेकिन V2 रिटेल को अगर आप देखोगे, इनका पूरा ईयरली जो सेल्स ग्रोथ है, आई थिंक FY24 ओवर 23 में आई थिंक दे ग्रू 40% YOY, विच इज अमेजिंग, राइट, बिकॉज बाकी कोई ग्रो ही नहीं करता है. और अगर Q4 ओवर Q4 देखोगे, द सेल्स ग्रू 53% YOY. सो V2 बिकम्स वन ऑफ द आउटलायर्स हियर, राइट. ये हो गया पहला वाला पॉइंट. दूसरे साइड में अब ये देखो कि V2 पहले लॉस मेकिंग कंपनी हुआ करता था, उनका विशाल मेगामार्ट भी हुआ करता था, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, विशाल मेगामार्ट को डाइवेस्ट कर दिया और किसी और को बेच दिया. तो एग्जिस्टिंग अभी V2 रिटेल का, अब वहां भी आप देखोगे ऐसे रिटेल अपैरल कपड़े वगैरह आपको सामान वगैरह मिलता है, राइट. लेकिन ये कंपनी लॉस टू प्रॉफिट जर्नी में आया, जैसे मोंटे कार्लो प्रॉफिट से लॉस में गया, V2 लॉस से प्रॉफिट में आया. तो आई गेस इस साल में FY24 में V2 का कुछ आई थिंक 26-27 करोड़ का
26-27 करोड़ का प्रॉफिट्स दिखाया, जबकि लास्ट ईयर में वो 8-10 या 12 करोड़ का वो लॉसेज में था। ठीक है, तो ये अच्छी बात है V2 के लिए, इसलिए मैंने आपको बताया कि लाइक V2 अलग क्यों है बाकी से। ठीक है, ये हो गया आपका पहला वाला पॉइंट। नाउ दूसरा वाला पॉइंट आपको ये देखना पड़ेगा कि V2 का अगर मैं एक चीज बोलूं जो मुझे इस बार उतना अच्छा नहीं लगा कि इस बार उन्होंने हार्डली कोई प्रॉफिट दिखाया। ठीक है, V2 का लास्ट क्वार्टर का Q3 देखिए, ऐसे कंपनीज का ना Q3 बेस्ट होता है बिकॉज फेस्टिव पीरियड होता है, दिवाली दशहरा होता है, तो लोग कपड़े ज्यादा खरीदते हैं, राइट। तो Q3 का जो एक क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वही पूरे साल का प्रॉफिट बना, बाकी 2-3 क्वार्टर में V2 का लॉसेस था या फिर हार्डली। इस बार भी आई गेस Q4 में उनका प्रॉफिट था कुछ 1 या 2 या 3 करोड़ के आसपास, तो कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं किया। ठीक है, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि तुम जो पूरे साल का प्रॉफिट बता रहे हो वो एक क्वार्टर से आया है, बाकी 3 क्वार्टर से कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी V2 ग्रोइंग सेल्स एट अ मच फास्टर पेस देन दी अदर कंपनीज लाइक क्रेडो, मोंटे कार्लो, आदित्य बिरला फैशन एंड वी-मार्ट, दैट शोज के लाइक यहां पे कुछ बेटर, कुछ अच्छा कुछ हो रहा है। अब लास्ट वाला कंपनी है ट्रेंड, ये तो आप सबको पता ही है ट्रेंड के बारे में, लाइक ट्रेंड का तो आई गेस आप देखे होंगे कि जो ह्यूमंगस ग्रोथ है, राइट, 60-50% से अपने सेल्स को बढ़ा रहे। ट्रेंड का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ इज इवन हायर देन V2's। ठीक है, तो ट्रेंड ने ऐसा क्या कर दिया, राइट, जो बाकी नहीं कर पा रहे। द आंसर इज Zudio। आप देखोगे ये 200-300-400-500 रुपए का जो कपड़े है, ठीक है, जनरली लोग जाके कहां खरीदते हैं, जनरली लोग जाके वो रस्ते से ही खरीद लेते हैं, राइट। लेकिन ट्रेंड ने क्या किया, पूरा ऑर्गेनाइज्ड एक फैशन दुकान खोले, उसमें आप देखोगे Zudio का नाम, मतलब एक बड़ा सा ब्रांड है, वैसे भी वो एक टाटा ग्रुप का कंपनी है, अंदर वहां पे मैनेजमेंट बैठा है, वहां पे सेल्स का लोग बैठे हैं, तो और आपको कपड़े उसी रेट में मिल रहे हैं। अब देखिए 400 रुपए का कपड़ा है तो उसमें क्वालिटी लेके छिक छिक करके कोई फायदा है नहीं। ठीक है, अगर आपको वैसा क्वालिटी चाहिए तो आप 5000 वाला जाके कपड़े खरीद लीजिए, आप जाके मैंगो में जाइए, जारा में जाइए, है ना, नाइकी में जाइए, तो वहां आपको उस तरीके का मतलब कपड़े मिलेगा। तो अगर 400-500 रुपीज आप पे कर रहे हो, राइट, 700-800 का अगर आपको जूते मिल रहा है, मतलब स्पोर्ट्स शूज एंड ऑल दैट, राइट, तो यहां पे आपको वो क्वालिटी लेके लड़ाई नहीं करना है। ठीक है, लेकिन हैविंग सेड दैट, यहां पे क्या कर रहे हैं, Zudio का एक्सपेंशन हो रहा है एट अ वेरी वेरी फास्ट पेस। तो एक तरफ हो गया आपका ट्रेंड एंड V2 रिटेल, जिनका सेल्स का ग्रोथ इज 40-50% से है, और उसके साथ साथ ये लोग जैसे ट्रेंड को तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलता है। ठीक है, मतलब पैट का ग्रोथ इज हायर देन सेल्स का ग्रोथ, राइट, और V2 रिटेल को अभी तक उतना ऑपरेटिंग लेवरेज आया नहीं है। दैट्स द रीजन व्हाई आई टोल्ड यू कि लाइक यहां पे मुझे जो इशू लगता है, आगे के क्वार्टर्स में जाके देखना पड़ेगा कि कैन दे बिल्ड ऑन द प्रॉफिट्स दैट दे मेड इन FY24। ठीक है, और बाकी का जो कंपनीज है, ये सब क्रेडो, मुफ्ती, मोंटे कार्लो, आदित्य बिरला फैशन, ये सब के बारे में, मतलब, और आदित्य बिरला फैशन मतलब इसमें वो पैंटलून्स वगैरह है। ठीक है, तो इनमें क्या है ना, इनमें सब ब्रांड्स तो ढंग का होता है, लेकिन सब ब्रांड्स का भी उतना ब्रांड पावर नहीं है। लेट्स फॉर एग्जांपल अगर आप मोंटे कार्लो भी देख लेते हो, ठीक है, मोंटे कार्लो इज नॉट दैट बिग अ ब्रांड, कोई ये नहीं सोचता है कि मोंटे कार्लो का कपड़े खरीद के मैं लाया और उसका लेके वो इंस्टाग्राम में फोटो डालेगा, सो नॉट दैट ग्रेट। सो एनी विच वे, तो ये है अभी अपैरल स्पेस का जो सिचुएशन चल रहा है। रिटेल अपैरल के बारे में मैंने बात किया सारे कंपनीज का, तो ये है। अभी चलिए एक दूसरे कंपनी का बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ओशिया हाइपरमार्ट करके एक कंपनी है। ठीक है, इसको मैंने पहले भी कवर किया, तो इसका Q4 का नंबर्स कल आया और नंबर्स मुझे अच्छा ही लगा। तो ओशिया हाइपरमार्ट क्या है, गुजरात बेस्ड एक हाइपर रिटेल चेन है। तो क्या मिलता है उनको, वही ग्रोसरी का सामान मिलता है, फूड एंड FMCG का सामान मिलता है, टॉयलेटरी आइटम्स मिलता है, फिर आप देखोगे यहाँ पे आपका वो फर्नीचर वगैरह भी मिलता है, जूते वगैरह भी मिलता है, और ये सारे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो इनका मॉडल एकदम डीमार्ट की तरह है। ठीक है, मतलब क्या, एकदम लो वैल्यू, मतलब कैसे बताओ, लो मार्जिन प्रोडक्ट्स बेचते हैं, करेक्ट। तो अगर आप से फॉर एग्जाम्पल एक लो मार्जिन प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, वो भी किसी और का बेच रहे हो, तो यहाँ पे आपका ग्रोथ कहाँ से आएगा, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ग्रोथ से आएगा। मतलब आपको कॉन्स्टेंटली नया से नया दुकानें खोलना पड़ेगा। तो ओशिया का अभी आई थिंक ये Q4 का नहीं, Q3 के बाद का बता रहे हूं, उनके पास कुछ 37 स्टोर्स था। ठीक है, उसमें से उनका कुछ क्या होता था, उनका उसमें से 31 है उनका हाइपर मार्ट्स, और बाकी उनके छोटे छोटे दुकानें भी होता था। अब कंपनी क्या कर रहे, छोटे छोटे दुकानें को धीरे धीरे करके काम करके बंद करवा देगा और हाइपर मार्ट्स बढ़ाएगा, बिकॉज उसमें कंपनीज का मुनाफा और मार्जिन ज्यादा है ना, बिकॉज यू गेट टू सेल वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट, और सारे प्रोडक्ट्स का आप देखोगे SKUs अलग है, मार्जिन भी अलग होते हैं। ठीक है, तो इनका क्या फंडा है, इनका ये है, जैसे मैंने बताया वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है, आपने देखा होगा डीमार्ट, ठीक है, डीमार्ट भी वॉल्यूम ग्रोथ के वजह से ही वो स्टॉक भागा ना, राइट, क्योंकि अगर अब डीमार्ट में जाओगे वो सब्जी बेच के और किसी दूसरे का चप्पल बेच के वो कितना ही कमा लेगा, है ना।
तो बेसिकली क्या है, डीमार्ट का भी आप देखोगे 350 के आसपास स्टोर्स हो गया. आई डोंट नो इफ आई एम सेइंग दिस नंबर करेक्ट, बट 350 के आसपास ही होगा, 350 के आसपास स्टोर्स बन गया. 10 साल पहले तो 100 के आसपास भी नहीं था. सो ऑल द टाइम ट्राइंग टू से इसके लिए ऐसे दुकानों को आपको कॉन्स्टेंटली स्केल अप करना पड़ेगा, नया ज्योग्राफीज में जाना पड़ेगा, बिकॉज यू आर सेलिंग ग्रॉसरी आइटम्स एंड यू नो फूड एंड एफएमसीजी आइटम्स फॉर थर्ड पार्टी. सो ओशिया का भी वही वाला प्लान है. तो ओशिया का वेबसाइट में आप जाके देखोगे, उनका एक विजन स्टेटमेंट है जो वहां पे उन्होंने ये बताया कि अगले 3-4 साल में ये लोग अपने नंबर ऑफ स्टोर्स को 140 कर देगा. ठीक है, अभी हाइपर मार्ट कितना मैंने बोला 31 से 37 के बीच में है. ठीक है, चलो 40 पकड़ लो, बिकॉज Q4 का मुझे डेटा पता नहीं है, कल सिर्फ तो उनका इनकम स्टेटमेंट कल ही रिजल्ट आया. तो 40 से अगर कोई 140 कर रहे हैं, मतलब ये है कि दे आर मोर देन ट्रेबलिंग द दे आर एक्चुअली टारगेटिंग टू मोर देन ट्रेबल द नंबर ऑफ स्टोर्स इन द नेक्स्ट 3 to 4 years, विच इज अ गुड साइन. प्लस मैनेजमेंट ने यह भी बताया था पहले कि ये, अब बिकॉज देखिए ये पूरा गुजरात बेस्ड एक हाइपर मार्ट है, कोई गुजराती आप नहीं हो तो आपने कभी ओशिया नहीं देखे होंगे. ठीक है, सो अगर आप लेट से फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र से हो, राजस्थान से हो, एमपी से हो, तो आपको ये ओशिया वाला मार्ट शायद आगे जाके दिखेगा, बिकॉज इन्हीं स्टेट्स में कंपनीज का मतलब ओशिया का टारगेट है कि वो जाएगा. एंड ऑफ कोर्स उनका यही कहना है, उनका जो लास्ट एनुअल रिपोर्ट में भी उन्होंने, देखिए ये कंपनी कोई कॉन कॉल वगैरह नहीं करता है, तो मुझे इधर उधर से जो भी मिलता है मैं उठा के मैं बता रहा हूं. ठीक है, तो एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने यही बोला कि रिटेल सेगमेंट है हमारे देश में वो तो ग्रो करता ही रहेगा ना, राइट. लेकिन जो ऑर्गेनाइज रिटेल है दैट ग्रोज एट अ मच फास्टर पेस, दैट विल ग्रो एट अ मच फास्टर पेस देन द ओवरऑल रिटेल मार्केट, और ये तो ऑर्गेनाइज रिटेल में ही है ओशिया. तो बहुत एक्साइटिंग कंपनी है. इसका अगर मैं सेल्स का नंबर बताऊं तो सेल्स ग्रू Q4 over Q4 में सेल्स ग्रू 67%, और अगर मैं FY 24 over 23 बोलूं तो दैट ग्रू 55% YOY. तो अच्छी बात है ना, और उसके साथ साथ इनका कैश फ्लोज भी पॉजिटिव दिखा मुझे इन FY 24 over FY 23. ठीक है, तो इसका क्या मतलब, अगर आप बता रहे हो कि आपका स्टोर्स विल बी 3x और 4x इन द नेक्स्ट 3 to 4 years, तो आपका सेल्स का ग्रोथ भी उसी रेट से होनी चाहिए, और कंपनी ने वो करके भी दिखाया, बिकॉज 55% का सेल्स ग्रोथ इज नो मीन फीट, राइट. बट ये भी देखना पड़ेगा, दे कम आउट ऑफ अ वेरी स्मॉल बेस, जैसे मैंने बताया डीमार्ट का 300 स्टोर्स है, ओशिया का 30 है. बट स्टॉक मार्केट में आप एक चीज आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, बहुत लोग क्या करते हैं ना, ग्रोथ नहीं है कंपनी में, लेकिन उसको डिफेंड करने लगता है बिकॉज बोल के बहुत बड़ा बेस है. अरे ये तो सबको पता है बहुत बड़ा बेस है, लेकिन मार्केट में बहुत बड़ा बेस है बोल के अगर कंपनी में ग्रोथ नहीं है तो उसका स्टॉक भी नहीं चलेगा और ज्यादा पैसा नहीं बनाएगा, राइट. तो ऐसे आप देखो. अच्छा, तो ये हो गया आपका ओशिया. एक और कंपनी का हम बात करते हैं, वो है कि मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिटीज. ठीक है, तो मिसेस बेक्टर क्या करता है, इसका बिस्किट और इसका और दूसरा है बेकरी वाला सेगमेंट. ठीक है, बिस्किट आई थिंक कंट्रीब्यूट 65% ऑफ सेल्स. आप देखोगे क्रीमिका करके उनका एक ब्रांड है, एकदम ब्रिटानिया का तरह. ठीक है, जैसे ब्रिटानिया ने स्केल अप किया इतने सालों से बेक्टर वही कर रहा है. ठीक है, तो 65% हो गया क्रीमिका से और 35% आता है बेकरी सेगमेंट से. अब बेकरी में भी उनका B2B B2C दोनों है. B2C मतलब आप देखोगे कि इनका इंग्लिश ओवन करके एक ब्रांड है जहां पे ये पाव वगैरह बेचता है. B2B क्या है, ये लोग क्या करते हैं, ये सब पाव देते हैं ये सारे QSR कंपनीज को, जैसे मैकडॉनल्ड्स हो गया, सबवे हो गई, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, तो यहां पे क्या है, अगर आप बेक्टर के साथ हो तो मतलब यू आर प्लेइंग अ प्रॉक्सी इन द QSR स्पेस एज वेल, ऐसे भी आप देख सकते हो. और इंडिया में जैसे मैंने ब्रिटानिया का जो जिक्र किया, अभी देखो कि ब्रिटानिया का कोई ग्रोथ नहीं है, बेक्टर का फिर भी सेल्स ग्रोथ है, कुछ 19% का ग्रोथ है FY 24 over 23 में. क्यों? बिकॉज बेक्टर का पेस मतलब बेस बहुत छोटा है, नॉर्थ से चालू हुआ था और अभी पूरे कंट्री में फैल रहा है. ब्रिटानिया तो ऑलरेडी फैल चुका है, तो ब्रिटानिया का है 1-2% का सेल्स ग्रोथ है, और ब्रिटानिया सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, डिविडेंड दे देता है. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, बेक्टर ब्रिटानिया से मतलब बेक्टर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बेक्टर ब्रिटानिया बन जाएगा, बट बेक्टर वही कर रहे हैं जो ब्रिटानिया कर रहे हैं. अब देखिए आपका ब्रांड्स हो गया, सब ब्रांड्स हो गई, और आपको अभी स्केल करना है, तो बेक्टर को समझ में आ गया ये खेल, जब आप 10 रुपए का एक बिस्किट बेच रहे हो तो वो आपका कोई वैल्यू गेम नहीं है. ठीक है, वो आपका वॉल्यूम गेम है, डिस्ट्रीब्यूशन का खेल है. तो बेक्टर भी पिछले एक साल से आप देखोगे ये अपने टच पॉइंट्स को बढ़ा रहा है, साउथ इंडिया में, वेस्ट इंडिया में, इन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया में भी धीरे धीरे जा रहा है. तो बेसिकली क्या, बेक्टर वही कर रहे हैं जैसे मैंने बताया, ब्रिटानिया ने पिछले 10-15-20 साल पहले जब पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को स्केल किया था, हर गांव गांव में पहुंच गया था, बेक्टर आज वही कर रहे हैं, है ना. सो बेसिकली क्या है कि बेक्टर का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ अच्छा है, लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि लाइक पहले ये कंपनी 30-35% से ग्रो करता था, 25 से 35 के बीच में, अब इनका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ थोड़ा घट गया. बट इसका लॉजिक भी है, बिकॉज इफ यू लुक एट एनी अदर FMCG कंपनी आज हमारे देश में, राइट, अब कोई भी FMCG कंपनी में कोई ग्रोथ ही नहीं है. ठीक है, मैं सिर्फ 2-3 नाम बोल सकता हूं, एक है बीकाजी फूड्स, एक है बेक्टर, और तीसरा है ADF फूड्स फिर भी आपका एक्सपोर्ट मार्केट में है. ठीक है, तो पॉइंट ये है कि ये जो पूरा डल FMCG मार्केट है उसमें भी
वेक्टर ने 19% का ग्रोथ दिखाया, ठीक है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस वेक्टर का हमेशा वही रहता है कि वी विल ग्रो इन मिड टीन्स, और 17-19% का ग्रोथ तो मिड टू हाई टीन्स ही हुआ। सो मेरा कोई कंप्लेन नहीं है वेक्टर के साथ, जस्ट द फैक्ट के लाइक यू नो आज आप इतनी छोटी अगर एक कंपनी हो तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बेस को आपको तगड़े रेट से ग्रो करनी है। जैसे उन्होंने अपने टच पॉइंट्स, वेक्टर ने अपने टच पॉइंट्स को पिछले 2 साल में डबल कर दिया, गॉट इट। तो आई थिंक 1.6 अभी 3.2 लाख टच पॉइंट्स है। अब मैनेजमेंट का ये सुनना पड़ेगा Q4 कॉन कॉल में कि अगले 2-3 साल में इनका टच पॉइंट्स किस रेट से बढ़ सकता है। बट हैविंग सेड दैट, जितना बेस बनेगा, जितना बड़ा बेस बनता जाएगा, उस बेस में उस रेट से ग्रो करना डिफिकल्ट है। तो आई एम नॉट अज्यूमिंग कि अगले 2 साल में भी ये लोग बोलेंगे अपने यहां से भी टच पॉइंट्स डबल करेंगे, बट यस ऑफकोर्स 2 साल नहीं तो 3 से 4 साल में तो होनी चाहिए। सो बेक्टर का तो अच्छी बात है, बेक्टर का मतलब सब कुछ सही चल रहा है, बहुत अच्छा बैलेंस शीट है। एंड हाँ, इसके बाद इस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला, मतलब आपका जो पैट का ग्रोथ है वो सेल्स का ग्रोथ से ज्यादा है। मतलब यहाँ पे पैट ग्रू 22% YOY इन Q4 और सेल्स ग्रू आई थिंक 17% YOY इन Q4, ठीक है। और पूरे साल में सेल्स ग्रू FY24 में 19%, ठीक है। तो ये हो गया बेक्टर का रिजल्ट। और लास्ट हम बात कर लेते हैं कुछ सिगरेट एंड टोबैको कंपनीज का, ठीक है। गॉडफ्रे फिलिप्स, VST और ITC, ठीक है। और ITC को यहाँ पे हम लोग एक टोबैको कंपनी के एंगल से देखते हैं ताकि ये पीयर टू पीयर विल मेक मोर सेंस। तो पहला पॉइंट तो ये है कि गॉडफ्रे फिलिप्स एंड VST आज ग्रो कर रहा है, ठीक है, ITC ग्रो नहीं कर रहा है। तो ये हो गया पहला वाला पॉइंट। गॉडफ्रे फिलिप्स क्या करता है आप देखोगे, इनके साथ ये लोग वो जो कंपनी है, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो मालबोरो बेचता है, ठीक है, बाहर मतलब मैं यूके यूएस का ब्रांड का बात कर रहा हूँ। तो उनके साथ मिलकर ये लोग मालबोरो का डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई चेन का पूरा काम करते हैं इंडिया में, गॉट इट। सो नाम एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है, आई गेस आपको पता हो, तो अब नहीं तो फिर आप गूगल करके देख लो, ठीक है। मतलब गॉडफ्रे फिलिप्स का खुद मालबोरो का उनका ब्रांड नहीं है, जो कंपनी एक्चुअली मालबोरो बेचता है वो बाहर की कंपनी है और गॉडफ्रे फिलिप्स उनका उनके साथ पार्टनरशिप में इंडिया में मालबोरो बेचते हैं, ठीक है, दैट्स द फंडा। तो यहाँ पे क्या है, गॉडफ्रे फिलिप्स का 95% ऑफ सेल्स आता है आपका टोबैको एंड सिगरेट सेगमेंट से, ठीक है। ये लोग अपना रॉ टोबैको भी बनाता है, और दूसरे साइड में गॉडफ्रे फिलिप्स का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट भी है टोबैको का। आई थिंक 30% ऑफ द सेल्स ऑफ गॉडफ्रे फिलिप्स टोबैको स्पेस से आता है, जो कि एक्सपोर्ट से है, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं VST का, VST इंडस्ट्रीज आई गेस कंपनी का नाम है। तो आप देखोगे एक सिगरेट का ब्रांड है टोटल करके, ठीक है, तो वो है VST का, ठीक है। VST क्या करता है, जैसे मालबोरो का एक्सपेंसिव ब्रांड है, राइट, एक मालबोरो का सिगरेट का स्टिक होगा 20 रुपए के आसपास, लेकिन अगर आप टोटल देखोगे, ये सब छोटे छोटे देखोगे, मतलब देखोगे ये 5-7 रुपए का एक स्टिक आते हैं, ठीक है। तो VST इज मोर ऑफ अ वॉल्यूम प्ले, और जबकि गॉडफ्रे ट्राइज टू डू मोर ऑफ अ वॉल्यूम एंड अ वैल्यू प्ले, ठीक है। तो दोनों कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बात है कि गॉडफ्रे का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, तो उनका मैनेजमेंट अभी क्या कर रहा है, बहुत तगड़ा डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ पे फोकस कर रहा है, ठीक है, पिछले 1.5 साल से। इसी वजह से इफ आई टेल यू द नंबर्स, इनका सेल्स ग्रू 25% YOY इन FY24, और इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, बिकॉज इनका पैट का ग्रोथ इज आई थिंक अराउंड 27% YOY, दैट इज अमेजिंग सेट ऑफ नंबर्स ना। VST इंडस्ट्रीज का भी आप देखोगे, इनका भी सेल्स ग्रू 20% YOY, 2018% का ग्रोथ आया है इन Q4 ओवर Q4, ठीक है। FY24 का कितना है वो डेटा उतना मुझे याद नहीं, लेकिन फिर भी वो डबल डिजिट्स में ही ग्रो किया इन FY24 ओवर 23। तो मतलब क्या, गॉडफ्रे फिलिप्स और VST आर ग्रोइंग एट अ वेरी गुड पेस बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन का गेम चल रहा है। और दूसरे साइड हमारा अगर ITC भाई का बात करें, तो ITC का तो कोई ग्रोथ ही नहीं है, ठीक है। FY24 ओवर 23 देख लो, या फिर आप Q4 ओवर Q4 देख लो, कुछ नहीं है। अब ये लोग बात करते हैं होटल को मार्च करेगा, डी मार्च करेगा एंड ऑल दैट, लेकिन मेरा पॉइंट है कि अगर ओवरऑल बिजनेस का ग्रोथ नहीं है तो फिर तुम मर्ज करके ठीक है, तुम करो, शायद तुमको कोई वैल्यू एडिशन मिल जाए, राइट। और उनका जैसे ITC का मुझे क्या है ना, देखिए ITC का सिगरेट का सेल्स का वॉल्यूम को उतना ग्रोथ नहीं है जितना गॉडफ्रे का है या VST का है, यही मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। ITC का भी तो मेजोरिटी सिगरेट ही है ना। सो अगर सिगरेट वॉल्यूम्स अगर सिंगल डिजिट से ग्रो कर रहे ITC में, तो ओवरऑल सेल्स ग्रोथ उतना अच्छा नहीं आएगा। सो यही है। और अगर आप VST और गॉडफ्रे मुझे बेटर लगता है देन ITC हियर, उनका ITC का FMCG का बिजनेस मॉडल तो बेटर है, दे आर ग्रोइंग, बट अभी आप देख रहे हो कि FMCG में कोई भी कंपनी बहुत तगड़े रेट से ग्रो नहीं कर पा रहे, वो ITC हो, HUL हो, पतंजलि हो, इट कैन बी एनी कंपनी। इसीलिए मैंने पिछले वाला जो कंपनी कवर किया, मैंने वही बोला ना कि कैसे बिकाजी एंड बेक्टर ही ऐसे दो कंपनी है जो मुझे दिख रहा है, बिकॉज बिकाजी के बारे में मैंने पहले भी बात किया। बिकाजी का मैं अगर बताऊँ, उनका भी FY24 में 18-20% का ग्रोथ आया है, ठीक है। चलो बिकाजी का भी थोड़ा बात कर लेते हैं, बिकॉज उन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज किया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को चेंज किया, और
पिछले दो क्वार्टर में आप देखोगे उनका पेस ऑफ ग्रोथ बढ़ गया। पिछले साल तक तो बीकाजी 15% के ऊपर सेल्स ग्रोथ नहीं करता था, लेकिन अभी देखोगे Q4 ओवर Q4 द सेल्स ग्रू 33-34%। इसका एक और रीजन है, बीकाजी तो ऑफकोर्स सबको पता है वो एथेनिक स्नैक्स वगैरह बेचता है, लेकिन इनका जो पैकेज स्वीट्स वाला सेगमेंट है ना वो हाई मार्जिन है और वहां पे बहुत तगड़ा वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है। पैकेज स्वीट्स का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो Q3 में तो ऑफकोर्स Q3 ओवर Q3 में लोगों ने भर भर के मिठाई खाया, राइट। तो वहां पे भी इनका अच्छा ग्रोथ आया, आई थिंक 18-20% का था Q3 ओवर Q3। और ओवरऑल ईयर का भी आप देखोगे, जैसे पहले मैंने बताया दे यूज्ड टू ग्रो एट 15% पहले, अभी उनका पेस ऑफ ग्रोथ बढ़ के आई थिंक FY24 में बीकाजी ग्रू अराउंड 19%। सो बेक्टर और बीकाजी आर प्रोबेबली द शाइनिंग लाइट्स इन द FMCG स्पेस एट दिस पॉइंट इन टाइम। लेकिन जब भी मैं ये सब चीजें वीडियोस बनाता हूं, आई हेल्प यू टू ट्रैक द बिजनेस, ठीक है। आपको एक बात समझ में आना है कि ट्रैक, मैंने इतने सारे कंपनीज ट्रैक किए तो इसलिए मुझे कुछ कंपनीज को ऐसे चुनने को मिला ना कि कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है, करेक्ट। और मेरा काम यही है कि इस तरह से आपको समझाना, राइट। क्योंकि देखिए, अगर आप सिर्फ अपना ही कंपनी को ट्रैक करोगे ना तो लॉजिक नहीं आएगा, राइट। क्योंकि आगे जाके आपका कैपिटल एलोकेशन स्किल सही नहीं होगा, बिकॉज आज जो कंपनी अच्छा नहीं कर रहा है आपका कॉम्पिटिटर कल जाके वो बेटर कर सकता है ना, या फिर आपका कंपनी जो आज बेटर कर रहा है कल जाके वो उतना अच्छा नहीं कर सकता है, उसका पेस ऑफ ग्रोथ घट सकता है, वो से फॉर एग्जाम्पल उसका ऑपरेटिंग डीलेवरेज हो सकती है, बहुत सारे हेडविंड जा सकता है। तो सिर्फ आपका कंपनी पढ़ के कुछ नहीं होगा, आपका कंपनी को तो ट्रैक करना ही है, PPT कॉन कॉल पढ़ना है, सुनना है, और उसके साथ अपने पीयर्स को भी लेके चलना है। तो आपको हमेशा पता चलना चाहिए कि ये जो अपॉर्चुनिटी सेट है ये डायनामिक है, ठीक है, क्योंकि ये रियलिटी के साथ ये बिजनेसेस हो रहा है, ठीक है। तो ये जो लोग आके बोलते हैं ना मुझे फिक्स सेट ऑफ स्टॉक्स बता दो, उनको एक्चुअल में धंधा समझ नहीं आता है, क्योंकि धंधे में कोई फिक्सेशन नहीं है, ठीक है। आज जो धंधा अच्छा है कल शायद वो ना रहे, है ना, तो वो वाली बात हो जाती है। तो एनी विच वे आई होप आपको समझ में आए, और भी कुछ कंपनी से मैं एक और वीडियो में बना के देता हूं। थैंक यू।